वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 11 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 12, इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। 3 दिन हो गए हैं, कोई वीडियो नहीं आया था, अब से डेली वीडियो आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल आइकन को प्रेस रखना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, अपना भी टिक कर लेना, पता तो चले कि इसका कितना सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। पहला प्रश्न, दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है? किस महासागर से है? दक्षिणी महासागर से नहीं है, अटलांटिक से नहीं है, हिंद महासागर से नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर से। तो देखिए, वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं जो हैं वो दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति क्या कहलाती है? एलनीनो कहलाती है। अलग से वीडियो बना रखी है। एलनीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। यह है डेफिनेशन इसकी। इन दोनों का मतलब दक्षिणी दोलन व एलनीनो की संयुक्त घटना को क्या कहते हैं? एनसो, ENSO के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। क्या कहलाता है चक्रवात का लैंडफॉल? चक्रवात का कपासी मेघों से संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, चक्रवात का धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाना, चक्रवात का समुद्री तट को पार करके जमीन पर पहुंचना, या चक्रवात को स्थल पर आर्द्रता की आपूर्ति का बाधित होना। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, कि वह स्थान जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र तट को पार करके जमीन पर पहुंचता है उसे बोलते हैं चक्रवात का लैंडफॉल। पूर्वी भारत में बहुत आते हैं चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण प्रायः कहां होता है, जिसको बोला जाता है ITCZ। ITCZ का मतलब यहां पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो कहां पर होता है? इक्वेटर के पास होता है, यहीं पर ही पाया जाता है। यह है अपनी 0 डिग्री, यह है अपनी पृथ्वी, और यहां का जो क्षेत्र होता है 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, यहां पर शांत वायु धाराएं चलती हैं। तो विषुवतीय वृत्त के निकट होता है, बी हो जाएगा इसका। तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ क्षेत्र विषुवतीय वृत्त के निकट पाया जाता है। उच्च सूर्य ताप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? ये जारवा जनजाति है सबसे ज़्यादा। तो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा जनजाति है। जारवा कहाँ पाई जाती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली अति प्राचीन जनजाति है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विषुवतीय वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते, क्यों नहीं बनते भाई? इसका प्रमुख कारण बता दीजिए, क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि पवन समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है और कोरियोलिसिस बल जो होता है वो शून्य होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है। गलत है, पहला तीसरा केवल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा इसका। तो विषुवतीय वृत्त पर कोरियोलिसिस बल शून्य होने के कारण पवने समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं, और यही कारण है कि विषुवतीय वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं और यहाँ पर शांत वायु धाराएं बहती हैं। 6ठा प्रश्न है, भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निर्भर करता है वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय विभिन्नता पर। वायुदाब पेटियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन, पृथ्वी का घूर्णन, महासागरों में महाद्वीपों का वितरण। बहुत बार इसको रिपीट किया है मैंने, इस क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो सारे के सारे कारण जो हैं इसमें वो सही हैं, भूमंडलीय पवनों के प्रारूप निर्भर करने के लिए। तो उपरोक्त सभी, तो भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए, वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय विभिन्नता और वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, वायुदाब पट्टियों का सौर विकिरण, सौर किरणों के साथ विस्थापन, ये पट्टियाँ पेटियाँ दोनों से ही यहाँ पर, और महासागरों व महाद्वीपों का वितरण और पृथ्वी का घूर्णन। देखिए, वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण
महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। इम्पोर्टेंट है ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन, अच्छे से पढ़े उसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? PCS में इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना यंत्र वाले, किसको नापा जाता है, जैसे हाइग्रोमीटर, मोनोमीटर, बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। तो बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। तो वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी या मरकरी बैरोमीटर अथवा निद्रव बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8 है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो कौन सी जनजाति है? अंगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो लोहासुर अंगरिया जनजाति के देवता हैं। लोहासुर देवता का निवास क्या है? धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है लोहासुर का निवास स्थान। और अंगरिया जनजाति मध्य प्रदेश के मांडला और शहडोल जिले में पाई जाती है। अंगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? एमपी में कहाँ? मांडला और शहडोल जिले में पाई जाती है। नंबर 9 है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बहुपतित्व विवाह की प्रथा को मानती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। टोडा तमिलनाडु इसका आंसर है। तो टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह को मानते हैं। और टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। इन्हें टोडी या टूडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है कौन कौन सा? देखिए तीन तो होंगे, यानी एक नहीं होगा इसमें। तो नागालैंड भी है इसमें, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा है क्या इसमें? तो देखिए पटकाई पहाड़ियाँ असम में और फिर मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य जो है ना पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, और मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न, याद रखना। तो पटकाई पहाड़ियाँ नागालैंड में हो गई, मणिपुर में हो गई, मिजोरम में हो गई, मेघालय में हो गई पटकाई पहाड़ियाँ, और जो मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं त्रिपुरा में। देखिए मिजो मिजोरम में होनी चाहिए लेकिन त्रिपुरा में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत नेशनल पार्क कौमा पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा, 2002 नहीं, ए हो जाएगा इसका। तो भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, उनका संरक्षण करने या संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क और पशु विहार मतलब सेंचुरीज स्थापित किए गए तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख पारिस्थितिक हॉटस्पॉट या क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर पूर्वी हिमालय भी हॉट स्पॉट है, पश्चिमी हिमालय भी हॉट स्पॉट है, सुंदरबन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 102। देखिए हॉट स्पॉट होता क्या है, भारत का जो दो हॉट स्पॉट हैं, हॉट स्पॉट होते क्या हैं? देखिए हॉट स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो प्रजातियाँ होती हैं वो संकटग्रस्त होती हैं, और विभिन्न मतलब विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मतलब बहुत सारा प्रजातियों का सह अस्तित्व वहाँ पर विद्यमान होता है। तो हॉट स्पॉट उनके वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। भारत के प्रमुख पारिस्थितिक हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय और वेस्टर्न घाट हैं। तो वनस्पति के साथ साथ जीवधारियों की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है तो सतमाला की पहाड़ियाँ तो हैं महाराष्ट्र में, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और मांडव पहाड़ियाँ। तो कौन सा नहीं है इसमें? मांडव पहाड़ियाँ नहीं हैं। तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडा पहाड़ियाँ जो हैं, मांडा पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं मांडा पहाड़ियाँ। नंबर 14 है, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं किसका हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का ही भाग हैं, ए हो जाएगा इसका। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल के दक्षिण में
एवं लगभग उसके समानांतर स्थित है। यह पर्वत श्रेणी भारत में राजपीपला पहाड़ियों से होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है ना, वो सतपुड़ा रेंज की ही चोटी है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी यह पंचमणी में स्थित है। जरा कमेंट करके तो बताइए पंचमणी कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, बताइए। तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, वो भी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य कारण पूछ रहा, तो सोचो इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य कारण क्या होगा। अच्छा, पोल्यूशन भी मान लीजिए, अपने आप को सोचो ना, आपके घर में पोल्यूशन हो गया तो क्या करोगे, उसको थोड़ी बहुत बीमारी फैलेंगी, उसको सही करने की कोशिश करोगे। दोहन से भी, दोहन मतलब, दोहन का मतलब क्या है, कुछ ले गया, चलो मतलब आपके पास जो था आपकी कुछ चीज़ें ले गया, लेकिन आपका अगर आपका घर ही तोड़ दिया जाए तो फिर कैसा लगेगा आपको। तो आवासीय विनाश जो होता है ना, उनका हैबिटेट लॉस कर देना, जंगल ही जंगल काट देना, तो कैसे बचेंगे, कहाँ रहेंगे जीवधारी। तो सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण होगा वो डी ही होगा इसमें, आवासीय विनाश करने से सबसे ज़्यादा जैव विविधता को हानि होती है, हैबिटेट लॉस। तो डी हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल की जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, तथा यहाँ पर पृथ्वी के लगभग 50% प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या निवास करती है। इस विशाल जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। 17वां प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा, सह्याद्री कहलाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है, 1200 मीटर है। केरल में इसे क्या बोलते हैं, सह्याद्र पर्वतम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरह के जो पीसीएस होते हैं ना स्टेट वाले, वो बहुत करते हैं कि उत्तराखंड का यूपी में पूछ ले, यूपी का उत्तराखंड में पूछ ले, इसका आंसर हो जाएगा चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो केदारनाथ के उत्तर में स्थित है, सी। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है, मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है, सॉरी गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमसेन जनजाति पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति आंतरिक निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जिनकी संख्या है 229। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं, बताइए। ओंज जनजाति जो पाई जाती है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो ओंज जनजाति के लोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के छोटा अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना। अगर वीडियो का उस एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच, छः बार आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो और आपको लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आपके YouTube के ऐप बॉक्स में एक प्ले बैक स्पीड का बटन होगा, तो उसको 1.2x करके देख लेना, 1.2x या फिर 1.5x तक देख लेना, इससे ज़्यादा करोगे तो वैसे तो काफ़ी तेज खुद ही बोलता हूँ मैं, तो 1.2x, 1.5x तक देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, एक लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, धन्यवाद।